गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेश फंडा में। पिछले क्लासों में हमने बात की प्रेशर वेसल के डिसेंट के बारे में, उसके कैलकुलेशन के बारे में, हाइट, वॉल्यूम, ब्लैंक डाया आदि आदि। आज हम लोग बात करेंगे कि सेल के बारे में, सेल का डेवलपमेंट, उसमें हम प्लेट का वेट आदि आदि के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्रेशर वेसल सेल, ये आखिर हमको इस चीज की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए ये प्रेशर वेसल का सेल है, यहां पे डिस्टेंस है, यहाँ पर मान लीजिए कि कौन लगा है, यहाँ पे नोजल लगा। तो ये पार्ट हो गया आपका सेल, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया कौन, ये हो गया नेक। ये मेजर पार्ट्स होता है प्रेशर वेसल्स में। तो हमने इसका बात कर लिया डिसेंट का, अब हम आज सेल के बारे में बात करते हैं। अगर 3D डायमेंशन में देखेंगे तो सेल इस तरीके का दिखेगा, अगर 2D डायमेंशन में देखेंगे तो सेल ऐसा दिखेगा। इसमें ये हमें एक प्लेट जैसा दिखेगा, प्रोजेक्शन में हम देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, ये रेडियस होता है, इसमें थिकनेस भी होती है। ये क्या हो गया, टी हो गया थिकनेस। ये यहां से और यहां का डिस्टेंस हो गया, ये हमारा ओडी हो गया, और ये जो हो गया ये हमारा आईडी हो गया। ये इंटरनल डायमीटर हो गया, ये आउटसाइड डायमीटर है, ठीक है। ये हमारा टी हो गया थिकनेस। तो ये सेल सब चीज हमें सेल से ही, सारा चीज हमें प्लेट से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ प्लेट है। हम जब इसको प्रोजेक्शन करेंगे तो ये हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, प्लेट है 2500 वेरियस जो मार्केट में अवेलेबल है, वेरियस डायमेंशन का प्लेट्स है। ये 10 मीटर जनरली अवेलेबल होता है। मान लीजिए इसका थिकनेस टी है, थिकनेस टी इज इक्वल टू 12 mm है, 12 mm, 14 mm है, जो भी, ये हमारा प्लेट अवेलेबल होता है। अब जब टॉप साइड फ्रंट साइड से आप देखेंगे तो हमें ये सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, ऐसा दिखेगा। आज हम जानेंगे कि
आखिर ये सेल रोल करने के लिए हमको कितना प्लेट साइज चाहिए, उसके लिए आज हम आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ बताएंगे कि ये प्लेट का वेट कैसे निकालें। पहले हम ये देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट क्या होगा। तो डेवलपमेंट के लिए हम अगर हम टॉप व्यू देख, इसका साइड व्यू यहां पर देखें प्रोजेक्शन, तो ये क्या बन के आएगा, ऐसा। बन गया, ये इसका थिकनेस और ये इसका आईडी है। और ये इसका हुडी है। ये जब हमारा हॉरिजॉन्टल वेसल होता है, हॉरिजॉन्टल के केस में हम ये ड्रॉ किए, अगर हमारा वर्टिकल सेल आएगा ऐसा, अगर हमारा वेसल है स्कर्ट्स लगा हुआ है, अगर हमारा वेसल ऐसा वर्टिकल है, वर्टिकल के केस में हम क्या करेंगे इस सेल को, ये हमारा सेल है, वर्टिकल के केस में हमारा सेल ऐसा दिखेगा, इधर से देखेंगे और हम जब प्लान व्यू देखेंगे तो ये हमको ऐसे, ये थिकनेस होगी, ये आईडी होगी, ये ओडी होगी। तो चाहे ओरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो फॉर्मूला हम जो ड्राइव करने जा रहे हैं, जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, वो सेम ही फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे पास सिर्फ प्लेट अवेलेबल होता है और उसी प्लेट से हमको बनाना है सेल। तो सेल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेल बनाने के लिए हमको सबसे पहले प्लेट में मार्किंग करनी पड़ेगी, प्लेट में मार्किंग करके उसको कटिंग करना पड़ेगा, फिर से हमको रोलिंग मशीन पे जाके रोल करना पड़ेगा। तो रोलिंग मशीन पे जाके रोल करना है, अब देखिए कोई भी चीज कभी भी जब उसकी जरूरत पड़ती है तब उसका मेंशन हो, कहा जाता है आवश्यकता या आविष्कार की जननी है, ये बात सही है। अब हमको बनाना है सेल, सेल बनाने के लिए हमको करना क्या है, मैंने बताया कि हमारे पास सिर्फ प्लेट है और प्लेट से बनाना है सेल। तो सेल बनाने के लिए हम प्लेट काट के रोलिंग मशीन ऑपरेटर को देंगे, रोलिंग मशीन ऑपरेटर उसे रोल करेगा तब जाके वो बनेगा सेल। तो सेल बनाने के लिए हम जब रोलिंग मशीन ऑपरेटर को प्लेट देंगे तो वो प्लेट क्या साइज का रहेगा, मान लीजिए कि हम एक टी थिकनेस का प्लेट को कट करके हमको एक सेल बनाना है जिसका आउटर डायमीटर ओडी जो है वो डी है, मैंने मान लिया एज्यूम किया, ये ओडी एक डायमेंशन दिया रहेगा, इसी डायमेंशन के हिसाब से ही आपको कोई भी काम करना है। और ये ओडी माइनस आईडी अगर हम इसका निकालेंगे तो ओडी माइनस ये यहां पे टी है और यहां पे टी है तो टू टी कर देंगे तो ये हमारा आईडी निकल जाएगा। या फिर आईडी हमको मालूम है तो ओडी निकालने के लिए आईडी प्लस टू टी कर देंगे तो ये हमारा
ओडी आईडी मिल जाएगा, क्योंकि हमको नोन वैल्यू एक होना चाहिए, एक तो थिकनेस नोन वैल्यू है, एक हमारा ओडी या आईडी कोई भी नोन वैल्यू होना चाहिए। आप सिंपल ज्योमेट्री जानते हैं, सिंपल ज्योमेट्री में आप दसवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको सिंपल ज्योमेट्री का नॉलेज ठीक ठाक है, अच्छा है, तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ज्योमेट्री के हिसाब से आप इसको डेवलप कर सकते हैं। ये क्या है, सिंपल एक सर्कल है, ये सिंपल एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है, जिसका एक रेडियस है, आर रेडियस है और ये डायमीटर है, सिंपल, ये आईडी है, ये ओडी है। अगर हम आउटर सर्कल ले, अब हम प्लेट को जब डेवलप करेंगे कि हमारा इस शेप का सेल लंब को बनाना है तो हमारा प्लेट कितना बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ध्यान देने वाली बात है, जब हम टी थिकनेस के प्लेट को हम इसको यहां से काटें, मान लें यहां से कट करें और इसको ओपन करना चालू किए, तो यहां से हम जब कट करेंगे यहां से कट किए और इसको हैमर करके ओपन करना चालू किए, ओपन करना चालू किए हैमर कर, हमको मालूम नहीं कि कितना बड़ा हमारा सेल होना, हमको फॉर्मूला नहीं, लेकिन मालूम नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक फिजिकली काम करते हैं कि इसको काट दिए बीच से, या एक वायर ले लीजिए, उस डायमीटर का वायर को मोड़ लीजिए और वायर को मोड़ने के बाद उस वायर को ओपन कर दीजिए, अब दो साइड दो दो आईडी का वायर ले लीजिए, इतना और इतना बड़ा, उसको उतना मोड़ के इसमें मैच करके मिला लीजिए, ठीक है, अब उस वायर को लीजिए खोल दीजिए, तो क्या होगा, एक जो ये बड़ा सा है वो कुछ इतना बड़ा हो जाएगा ओपन होके, और एक ये जो छोटा है वो कुछ इतना बड़ा हो जाएगा ओपन होके, एक बीच में छोटा है। अब क्या हो गया बात, अब तो बात गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गया कि भाई इतना का जो डिफरेंस है, इतना के डिफरेंस को हम कैसे ले, अब उसे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये क्या है, ओसीएफ है, आउटर सर्कमफेरेंस डायमीटर, तो इसका डेवलपमेंट अगर हम डी टू लेते हैं, आउटर डी आउटर लेते हैं और स्मॉल लेते हैं स्मॉल डी, तो पहला हो जाता है पाई डी, आउटर की बात करें ये डेवलप हो गए, इतना बड़ा लेंथ हो जाएगा, ओसीएफ इनर की बात करें तो हो जाएगा स्मॉल पाई डी, ओके। तो देखिए इसको ये आप टू डी प्लेन में देख रहे हैं, जब हम इसको देखेंगे तो दो तरीके का हो जाएगा डेवलप, ऐसा करके और एक यहां से हो जाएगा छोटा, ये लेंथ हो जाएगा जो कि पाई डी होगा और एक ये लेंथ हो जाएगा जो कि पाई डी होगा। अब ये तो गड़बड़ हो गई, जब इस सेल को हम ऐसे ओपन किए तो हमारा इस तरीके का डायमेंशन आ गया, तो हम तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर हम ये छोटा वाला लेंगे तो हमारा सेल छोटा हो जाएगा, अगर ये हम लेंगे तो हमारा सेल बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को दूर करने के लिए हम इसके बीच कर लेते हैं मीन, इसके बीच का जो रेडियस होगा उस बीच के रेडियस को मीन रेडियस
इस मीन रेडियस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ना तो ये एस बड़ा होगा ना वो एस छोटा होगा, तो हमारा ये मीन रेडियस हो जाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए ये टी है, ये पोर्शन हो गया टी बाय टू, ये क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया टी बाय टू, और इधर में भी जब हम डायमीटर की बात करेंगे तो यहां से यहां होगा, तो ये भी पोर्शन कितना हो गया टी बाय टू। तो अब नाउ मीन डाया कितना हो गया, मीन डाया हो गया डी सेंट्रल, मीन डाया कितना हो गया, आईडी कितना आपका, आईडी है स्मॉल डी प्लस टी, इधर का टी बाय टू और ये टी बाय टू प्लस टी बाय टू, ये कितना हो गया डी प्लस टी, ये हमारा डायमीटर हो गया। नाउ सेल डेवलपमेंट करेंगे डेवलप लेंथ कितना हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ सेल लेंथ कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा पाई इंटू डी मीन कर दीजिए, यानी कि पाई इंटू डी प्लस टी। तो जब भी हम कोई भी प्लेट को डेवलप करते हैं, एक सेल प्लेट को डेवलप करते हैं, तो डेवलपमेंट लेंथ कितना होता है, विड्थ जो है वो जितना इसका सेल का लेंथ होगा उतना ही विड्थ हो जाएगा, लेकिन ये सेल प्लेट का विड्थ हो जाए, सेल का लेंथ जितना बड़ा होगा प्लेट का उतना विड्थ हो जाएगा, लेकिन डेवलप लेंथ जितना इसको ओपन करके बड़ा करेंगे उतना बड़ा इसका लेंथ हो जाएगा, माने कि इतना लेंथ का हमको इसमें से प्लेट काटना पड़ेगा, ये लेंथ हो जाएगा सेल डेवलप्ड लेंथ, और ये उर्थ हो जाएगा हाइट ऑफ सेल, सेल की कितनी बड़ी हाइट है वही हाइट का, मतलब ये सेल इतना बड़ा हाइट का, ये हाइट एच हाइट का सेल है, इसको बीच से काट के ओपन कर दिए तो ये एच हाइट का सेल रहेगा, लेकिन ये डेवलप्ड लेंथ हो जाएगा, ये हमारा डेवलप लेंथ हो जाएगा लेकिन हाइट यही है। तो हम इसको प्लेट को यहां पर वैसे ही कटिंग करेंगे, तो हमारा अब ध्यान देने बात है, देखिए ये टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अगर आईडी रखेंगे तो आईडी प्लस टी, अगर हम ओडी से कैलकुलेट करें तो मीन डाया फ्रॉम ओडी से अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, ओडी का वैल्यू हमने डी रखा, डी माइनस इधर का पोर्शन टी बाय टू माइनस इधर का पोर्शन टी बाय टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा d माइनस टी। तो जब आपको OD दिया हुआ है तो आप थिकनेस माइनस करके उसको पाई के वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, नाउ डेवलप लेंथ, नाउ OCF मान लीजिए OCF इज इक्वल टू पाई इंटू डी माइनस टी,
तो आप पाई के वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आपको ओडी का वैल्यू मालूम है तो टी को माइनस करके पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ये सेल का लेंथ हो जाएगा और इतना सेल का हाइट जो दिया हुआ है वो सेल का हाइट हो जाएगा। ये हो गया विड्थ और ये हो गया लेंथ। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल को डेवलप कर लेंगे और उससे हम प्लेट पर मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करके हम कटिंग कर लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे वो हम ऑपरेटर को दे देंगे ये कटिंग किया हुआ लेंथ। अब सेल बनाने से पहले इसमें और क्या क्या करना है वो अगले टॉपिक में बात करेंगे कि इसका एज प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सेल बनाने रोल करने के बाद उसको वेल्डिंग करना पड़ता है, टैगिंग करना, लेकिन हम वो दूसरे टॉपिक दूसरे क्लास में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ इंटरेस्टेड थे कि हमारा सेल अगर बनता है तो प्लेट से बनता है तो प्लेट में हमको कितना कटिंग करके देना चाहिए ऑपरेटर को ताकि वह रोल करके हमको डिजायर्ड शेप का सेल दे दे। तो इस तरीके के फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए, मैक्सिमम लोग जनरली गलती करते हैं कहाँ, वो क्या करेंगे आइदर आउटर डायमीटर ले लेते हैं, आउटर डायमीटर इनटू पाई कर देते हैं तो क्या होगा सेल का लेंथ बड़ा हो जाएगा, और अगर इनर डायमीटर लेंगे आईडी लेकर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया उसका सेल का डायमीटर छोटा हो जाएगा। इसीलिए हमको कभी भी कैलकुलेट करना है तो उसका मीन डाया लेकर के कैलकुलेट करेंगे, उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नॉलेजफुल वीडियो आपको मिले और आप इसका लाभ उठाएं।